फाइव हंड्रेड आप मिलेंगे इसको कम्प्लीट करके। शिद्दत वाला प्यार आपने सुना होगा। टुडे इज़ द वेरी नेक्स्ट डे और आज अपने टैटू का जो अगला पार्ट है यानी जो शिवजी होने वाले हैं उन्हें ट्रेस कर दिया है और चालू होने वाले, बस एक बज रही है, एक डेढ़ बज रही है, समथिंग दो बजे के आसपास चालू कर देंगे। आज भी मैं थोड़ा सा लेट हो ही गया। ये जो पार्ट है ना सबसे ऊपर अगर आपको दिख रहा है जो कोनी के बीच में जो पार्ट होता है, मुझे लग रहा है यहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होगा, बाकी देखते हो तो ट्रेस होगा जब पता चलेगा। मुझे बहुत मतलब अंदर से ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी जल्दी चालू हो और जल्दी जल्दी खत्म भी हो। सामने जो मिरर लगा हुआ है ना पीछे हो जो, तो इस मिरर में जो मैं ट्रेस करा हुआ देख रहा हूँ ना, ऐसे जब अपन रियल में देखते हैं ना इतना समझ में नहीं आता, लेकिन अपन किसी मिरर में या किसी वीडियो में देखते हैं तो वो बहुत ही अलग काइंड ऑफ लगता है। और मुझे पता नहीं क्यों ये उतना वाइड एंगल नहीं लग रहा अब जब से मैंने अपने आईफोन से ब्लॉग करना चालू किया, वो इससे कई ज़्यादा वाइड एंगल है और आईफोन से ब्लॉग करना बहुत ईजी है। एक बार चालू होता है ब्लॉग टैटू बनना, उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू करते हैं, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तब तक थोड़ा इंतजार मैं भी करता हूँ, थोड़ा आप भी करो, जितना दर्द मैंने सहा है थोड़ा इंतजार का दर्द आप भी सह लो। तो भाई कुछ ही देर में बस चालू होने वाला है, ये भी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने आज टाइम लैप्स के लिए अपना GoPro भी सेट कर दिया है, तो अगर टाइम लैप्स अच्छे आए थैंक्स टू मी। और अभी भी है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको टिकाने के लिए, इसको टिकाने के लिए जो मेहनत हुई है वो इन भैया ने की है। टाइम लैप्स कैसे आते हैं और अपना टैटू मतलब ट्रेस होने के बाद तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, पूरा बनने के बाद और फील कैसा आता है इसका। बड़ी शिद्दत से टैटू बनाया बोल रहा है, चाहे 12 ही बजे रात मिलेगी इसको कम्प्लीट करके अटक अटक के बोलने का एक ही रीजन है, आप समझ सकते हैं से अटक जाती है इसलिए। दर्द तो एक तरफ है और ये जो दोनों भैया ना आपस में इतने मजे कर रहे हैं, इसका दर्द तो एक तरफ महसूस ही नहीं हो रहा, इनकी हंसी से पूरा टैटू कंप्लीट हो गया मेरा नहीं ऊपर वाला। तो बस 9:15 बज रही है और ये फेस वाला जो मेन पार्ट है वो बच रहा है, केक आ चुका है क्योंकि वो भैया कहाँ गए, इन भैया का बर्थडे, भैया हैप्पी बर्थडे, आज है कल है आज ही है, चलो ठीक है केक कट करते हैं और फिर आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। आई होप दैट योर स्पेशल डे इज फिल्ड विद लव एंड हैप्पीनेस एंड दैट दिस ईयर इज योर बेस्ट ईयर, रिमेंबर यू कैन अचीव एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड वन डे यू बिकम द बेस्ट टैटू आर्टिस्ट, आई लव यू सो मच माय यंगर ब्रदर, आई लव यू सो मच। पटाखे चुप के फोड़ देते अच्छा आप भी वही थे क्या, तभी नहीं वो पड़ोसी में ही था जिसके पटाखे तुम चुपते, ये ऐसे लोग हुआ करते थे भैया जब तक उन पटाखों की पूरा बुरा था निकाल नहीं लेना, ये इनको चैन नहीं मिलता था। मुझे और उज्जवल को छोड़ के आपने जिस जिसको देखा है ये थी उसकी पूरी की पूरी टीम, अभी तक का जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अगर आपको टैटू बनाना है तो
कॉन्टेक्ट नीचे आ जाएगा, जरूर कॉन्टेक्ट करना। जो भी आपके आइडियाज है वो ही अच्छी तरह से पेपर पे ट्रेस करके या फिर फोटोशॉप करके अच्छे से आपको समझा देंगे, आपको पसंद आएगा। मैं डेफिनेटली रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं, कितना मजा मुझे आ रहा है ना बनवाने में। टैटू को डर तो हो रहा है लेकिन जो मजा आ रहा है उसको देख देख के, इससे ज्यादा कहीं डेडिकेटेड लेवल से देवव्या इसको, मतलब क्योंकि शिद्दत वाला प्यार आपने सुना होगा, देवव्या उसी तरीके से लगे हुए कि आज इसको कंप्लीट करके जाना है किसी भी हालत। और अभी भी टैटू का लगभग 5-7% पार्ट बचा हुआ है, तो मेरे अराउंड दो तो किसी कीमत पे बचने वाली। जो अभी जितना पार्ट आपको कंप्लीट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसा लग रहा है ये बता देना मुझे, एक बार कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे ज्यादा मैं अभी और कुछ बोलने की हालत में हूँ नहीं, पर एक चीज हाँ अच्छी हुई है, यहाँ सारी शॉप्स बंद हो चुकी है, हम दोनों को तीनों को मतलब ऑलमोस्ट सबको भूख लगी थी, मैं आयुष और देवे बचे तो अच्छा है कि घर से टिफिन आ गया, मुझे उल्टे मुंह बात करनी पड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर में आपसे अच्छे से मुलाकात करते हैं। भाई रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, टैटू फाइनली कंप्लीट हो चुका है, मैंने तो देख लिया है। अब क्लीनिंग के प्रोसेस में 2-3 बार थोड़ा सा जल रहा है, जो लोगों की जलेगी ना वो देख के मुझे ठंडक मिल गई। हम अपना आगे का जो मैटर था उसको सुलझा के फिर चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, जो आगे की जो भी बात होगी वो अपन कल करेंगे। और एक चीज़ और, अगर किसी को भी टैटू बनवाना है तो भाई दिल से और हाईली रिकमेंडेड है देवव्या के पास आओ इंक बॉय टैटूज में। इसका कोई भी आइडिया हो, मतलब इनका कोट लाइन भी है कि यू थिंक वी इंक, मतलब वी इंक है ना, तो बिल्कुल आना और मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, तो होप आप लोगों को जो ये 2 पार्ट की माय फर्स्ट इंक या माय फर्स्ट टैटू जो भी मैं इसको नाम दूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मतलब ये काइंड ऑफ सीरीज यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको किसी और व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ विद पुनी देवव्या कैमरामैन आयुष एंड कैमरामैन आयुष।